हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का फिर से हम लोग का जो मैथ्स का पार्ट वन होता है यानी कि अलजेब्रा, उसका एक नया चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, इसके जस्ट पहले हमारा जो लेक्चर हुआ था वो हमने ज्योमेट्री का पार्ट जो था हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम था कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, उसको हमने टोटली कंप्लीट किया था, आपको याद होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज हमारे वीडियो सेक्शन में, प्ले लिस्ट सेक्शन में आप जाके वहां से आप ढूंढ के हमारा जो प्रीवियस वीडियो था जो हम लोग बनाए थे आप लोग के लिए, वो आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो चैप्टर था हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल ज्योमेट्री का, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहेगा। तो हमारा ज्योमेट्री का टोटल 4 चैप्टर खत्म हो गए हैं, तो उसी के लिए हम लोग आज फिर से हम अलजेब्रा की तरफ आ चुके हैं, हमारा जो मैथ्स का पार्ट वन होता है उसकी तरफ आ चुके हैं, जिसमें हमने टोटल 3 चैप्टर पॉलिनोमियल्स तक कंप्लीट किया हुआ था। तो आज एक नया चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए, चैप्टर नंबर 4 जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 1 देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा बेसिक लेवल पे बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है जो आप अभी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे 9th में काम आएगा, 10th में आप जाओगे 10th में काम आएगा, 11th में आप अगर साइंस लेके पढ़ते हो तो उसमें मैथ सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें काम आएगा, 12th में काम आएगा, उसके बाद अगर साइंस के फील्ड में आप फिजिक्स करते हो, केमिस्ट्री लेते हो या फिर आप इंजीनियरिंग करते हो, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। इसके लिए मैं बोल रहा हूं आप लोग को, ये चैप्टर है आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज बारीकी से समझाऊंगा आप लोग को, कंसेप्ट समझाऊंगा, सो दैट आप लोग को अगर मैं कोई भी एग्जांपल दे दूं, अगर आपको पता है कि कंसेप्ट कैसे सॉल्व करते हैं तो आप लोग जरूर से उसको सॉल्व कर पाओगे, इतनी पूरी उम्मीद करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसका बेसिक मीनिंग मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर मैं बात करूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, तो आपने देखा होगा कोई भी चीज लिखा होता है, लेट सपोज यहां पे अगर मैं बात करूं बॉयज वर्सेज गर्ल का रेशियो बताओ, ठीक है ना। अगर मैं बोलूंगा कि एक स्टेट है, समझ लो महाराष्ट्र ही हमारा स्टेट है, तो उसमें बॉयज वर्सेज गर्ल, तो हम लोग ये जो सिंबल यूज करते हैं, आपने देखा होगा ये जो दो डॉट यूज करते हैं बॉयज और गर्ल, ऐसा लिखा होगा, तो बॉयज और गर्ल्स के बीच में ये क्या है, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये है रेशियो का सिंबल, ठीक है ना। तो ये रेशियो बोलते हैं इसको, कि हम बोल सकते हैं कि बॉयज और गर्ल का जो रेशियो है, हम लोग बोलेंगे, समझ लो कि अगर 1000 बॉयज है, अगर मैं एक लिटरेट जो हमारा रेट होता है, ठीक है ना, एक पॉपुलेशन इंडेक्स का जो रेट होता है, समझ लो कि 1000 बॉयज पे, अगर 1000 बॉयज है तो उसपे ऊपर अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 800 ही गर्ल है, मतलब अगर 1000 बॉयज होंगे तो उसमें सिर्फ 800 ही गर्ल होगी उसके मुकाबले पे, तो हमारा ये क्या हो गया, बॉयज एंड गर्ल्स का एक रेशियो हो गया। तो ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। अगर वही चीज को प्रोपोर्शन में लिखा जाए तो रेशियो विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोपोर्शन, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, बॉयज और गर्ल का रेशियो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, बॉयज अपॉन गर्ल्स, ठीक है ना, बॉयज अपॉन गर्ल्स हो गया, ये चीज हो गया बॉयज अपॉन गर्ल्स, एंड उसको इसको कैसे लिख सकता हूं, दैट इज 1000 ऊपर है नीचे, 1000 जो पहले 1000 ऊपर आ जाएगा, जो बाद में है वो नीचे आ जाएगा, 1000/800, तो ये क्या हो गया, बॉयज अपॉन गर्ल्स इज इक्वल टू 1000/800, ये क्या हो गया मेरा, प्रोपोर्शन हो गया। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ईच अदर, दोनों का मतलब एक ही होता है, बस रेशियो हम लोग सीधा सीधा लिखते हैं, प्रोपोर्शन इसको हम लोग प्रोपोर्शनल के फॉर्म में यानी कि डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं, उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसको अगर मैं 3 जीरो कट कर दू, 2 जीरो ही कट होगा ऑब्वियसली, 2 जीरो कट कर दू, यहाँ पे 2 जीरो कट कर दू, ये बन जाएगा 10/8, और छोटा हो सकता है 2 5 10, 2 4 8, यानी कि 5/4 क्या हो जाएगा, इसका प्रोपोर्शन हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो बेसिक चीज है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो और व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शन, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी के बीच में कुछ छोटा सा एग्जांपल्स आपके बुक में दिया हुआ है, तो मैं आपको एग्जांपल्स से बताऊंगा, सो दैट आपको एग्जांपल भी समझ में आ जाए, क्योंकि ये तो बेसिक एग्जांपल है, शायद ही पूछ सकता है आपके एग्जाम में, लेकिन आपको कंसेप्ट पढ़ाने के लिए ये एग्जांपल पढ़ाना उतना ही इंपॉर्टेंट है, और कंसेप्ट के हिसाब से आपको किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है, सॉल्व कैसे किया जाता है, ये भी आपको टोटली 100% समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बोला, क्या बोला दोस्तों, कि हमें जो है रेशियो निकालना सीखना होगा, क्योंकि ना हमेशा रेशियो दिया होता नहीं है, हमने कुछ कुछ रेशियो जो है उसको कैलकुलेट भी करना होता है। तो अगर रेशियो को कैलकुलेट करना है दोस्तों, अगर मैं बात करूं रेशियो को अगर कैलकुलेट करना है हमें, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको पहले रफ कर देता हूं आप लोग के लिए, बोर्ड क्लीन कर देता हूं, सो देट आपको मैं एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से बता सकूं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल आपके बुक में आप देखोगे पेज नंबर 57 में, एकदम फ्रंट पे ही आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपके सामने टेक्स्टबुक रखा हुआ है, ठीक है, एकदम फ्रंट पे ही आप देखोगे, यहाँ पे टॉप पे आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो टॉप पे आप देखोगे एक एग्जाम्पल जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, क्या बोला है, द रवा लड्डू, लड्डू आपको पता है लड्डू खाते हैं हम लोग, ठीक है, रवा का लड्डू बनाया गया है जो कि प्रिपेयर किया जा रहा है विमल के द्वारा, जो कि बहुत टेस्टी, ऐसा उन्होंने बोला है। तो फॉर विच शी टेक्स 1 बॉल ऑफ घी, तो मैं एक एग्जाम्पल पहले हेडिंग डाल देता हूं आप लोग के लिए, ठीक है ना, ऐसा एग्जाम्पल है, क्या बोला है कि रवा लड्डू बनाने के लिए वो जो फीमेल है उन्होंने रवा लड्डू बना रही है, तो उनको कितना लग रहा है, 1 बॉल ऑफ घी लग रहा है, मतलब जो घी है, ठीक है ना, 1
बाउल, ठीक है ना, एक कटोरा जो होता है, वन बाउल ऑफ कितना लग रहा है, वन बाउल ऑफ घी लग रहा है, ठीक है, समझ लो वन बाउल ऑफ घी लग गया उसको, और क्या लग रहा है, थ्री बाउल्स ऑफ रवा, मतलब उसको बनाने के लिए तीन बाउल जो है रवा का लग गया, ठीक है, लड्डू बनाने के लिए घी लग गया, रवा लग गया तीन बाउल, एंड साथ ही में दो बाउल शक्कर लग गया, तो वो भी लिख लेते हैं हम लोग, दो बाउल क्या लग गया, शक्कर यानी कि शुगर, ठीक है, शुगर बोलते हैं, शुगर लग गया। अब मुझे यहाँ पे एक चीज से पता चल जाएगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमें ये जो आपका तीनों है, तीनों मिलकर क्या बना रहे, हम लोग लड्डू बना रहे, करेक्ट है, लड्डू हम लोग बना रहे। अब ये तीनों मिलकर लड्डू बना रहे, इसका मतलब एक लड्डू को बनाने के लिए मुझे तीन चीज की जरूरत पड़ी, क्या क्या चीज की जरूरत पड़ी, घी की जरूरत पड़ी, रवा की जरूरत पड़ी एंड शुगर की जरूरत, शक्कर की जरूरत पड़ी। तो ये तीनों चीज का क्या हो जाएगा, एक रेशियो निकाल सकते हैं हम लोग, एक प्रपोर्शन निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, अगर ये घी रवा और शुगर का रेशियो निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, पहले मुझे घी लग रहा है, ठीक है, घी का रेशियो रवा, रवा लग रहा है, साथ ही में किसका रेशियो लग रहा है यहाँ पे, शुगर का, तीन हम लोग को चीज लग रहा है यहाँ पे, तो उसका जो रेशियो है, अगर मैं रेशियो की बात करूं तो कैसे रेशियो आएगा इसका, घी कितना लग रहा है, पहले घी है तो घी का रेशियो कितना आएगा वन, फिर सेकंड क्या लग रहा है रवा, रवा का कितना है थ्री, तो रेशियो थ्री हो गया, एंड शुगर कितना लग रहा है, शुगर आपका टू लग रहा है, तो वन रेशियो टू, थ्री रेशियो टू, आप देख सकते हो वन रेशियो थ्री रेशियो टू, ये मेरा क्या है दोस्तों, रेशियो है, किसका रेशियो है, पूरा का पूरा लड्डू बनाने का जो भी इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं, जो भी सामान लगने वाला है, ये पूरे चीज का रेशियो है, यानी कि अगर कोई आपको पूछेगा बताओ ये लड्डू का जो भी सामान लग रहा है, इंग्रेडिएंट्स का जो सामान लग रहा है उसका रेशियो निकाल के दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे कि घी का रवा का जो शुगर है उसका जो रेशियो आ रहा है वो वन रेशियो थ्री रेशियो टू आ रहा है, करेक्ट है, ये आप बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई पूछता है नॉर्मली, अगर मैं बात करूं कोई ऐसा पूछता है, सिर्फ और सिर्फ रवा एंड शुगर का रेशियो जो है वो निकाल के दिखाओ, तो अगर मुझे कोई पूछता है कि बताओ ये रवा जो है उसका जो है रवा और शुगर का ये कितना आएगा, तो मतलब कितना रवा लगने वाला है कितने शुगर के कंपैरिजन में, इसका रेशियो बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा, कितना लग रहा है रवा और शुगर, कितना है रवा मेरा थ्री है, शुगर मेरा टू है, तो यानी कि थ्री रेशियो टू लगने वाला है, तो रवा और शुगर मेरा थ्री रेशियो टू लगने वाला है। इसका अगर मुझे कोई प्रोपोर्शनल निकालने बोला तो प्रोपोर्शन कैसे निकालूंगा, मैं रवा को शुगर से नीचे डिवाइड करूंगा, यानी रवा अपॉन शुगर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा थ्री रेशियो टू, मतलब थ्री अपॉन टू हो जाएगा, करेक्ट है, इसी प्रकार लिखना होता है आपको। तो अगर इस तरह से होता है कि रवा और शुगर थ्री अपॉन टू है, तो एक क्वेश्चन इसमें पूछता है कि अगर 12 यूनिट, तो एक एक समझ लो एक लड्डू बनाने में आपको इतना लगा, तो वैसे 12 यूनिट, 12 समझ लो लड्डू बनाने के लिए कितना लगेगा, तो आपको पूछा है कि इफ 12 यूनिट्स ऑफ रवा इज यूज्ड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ शुगर आर रिक्वायर्ड, मतलब अगर 12 मुझे लड्डू बनाने हैं तो कितना जो है मुझे ये जो शुगर है कितना लगने वाला है, ऐसा मुझे क्वेश्चन पूछा है, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, आप देखो क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा दोस्तों कि कितना शुगर लगने वाला है, कितना लड्डू लगने वाला है, कि ये इतना लड्डू है तो कितना शुगर लगेगा, उतना लड्डू है तो कितना ज्यादा घी लगेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है ना, लड्डू का नहीं पूछेगा लेकिन हो सकता है और भी कुछ पूछ ले, जरूरी नहीं है ना लड्डू ही पूछेगा, वैसे बहुत सारी चीजें पूछेंगे। तो एक चीज तो मुझे पता है कि दोनों का रेशियो जो है ना, जो रेशियो है दोनों का यानी कि प्रपोर्शन जो है मुझे पता है, क्या पता है कि दोनों का जो रेशियो है वो है थ्री अपॉन टू, ठीक है, कि मेरा जो शुगर और रवा है, रवा थ्री है मेरा, शुगर टू है, रेशियो तो सेम होने वाला है, कितना भी ले लूं मैं रेशियो सेम होने वाला है, मतलब अगर मुझे एक लड्डू बनाने के लिए अगर मुझे तीन रवा लग रहा है, दो शक्कर लग रहा है, तो दो बनाने के लिए मुझे उसका डबल करना पड़ेगा, तीन बनाने के लिए उसका डबल करना पड़ेगा, ट्रिपल करना पड़ेगा, चार बनाने के लिए चौपल करना पड़ेगा, तो ऐसे जितना भी मुझे बनाने होंगे उतना मुझे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मुझे 3/2 रेशियो पता है और मुझे कितना बनाना है दोस्तों, रवा जो है आपका कितना कितना यूनिट बनाना है, मुझे 12 बनाना है, ठीक है, तो 12 यूनिट अगर मुझे बनाना है लड्डू को, तो मुझे कितने शुगर लगने वाले, करेक्ट है, अगर मेरा यहाँ पे रवा जो है, रवा जो मैं यूज कर रहा हूँ, रवा में कितना यूज कर रहा हूँ, 12 यूज कर रहा हूँ, मुझे लड्डू जितना भी बनाने हो अगर मैं रवा 12 यूज कर रहा हूँ और शुगर मुझे पता नहीं है, तो मैं शुगर निकाल सकता हूँ क्योंकि रेशियो तो मुझे पता है 3/2, तो हम लोग निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3x हो जाएगा, यानी कि 3x हो गया, बीच में इक्वल है, एंड 12x2 इज नथिंग बट 24, तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग कैसे, x इज इक्वल टू 24/3, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं कि अगर मेरे को 12 यूनिट ऑफ रवा, मतलब 12 अगर मैं जो मैं 3 यूज कर रहा था पहले, अगर मुझे 12 यूज करने पड़े तो मुझे x यानी कि जो शुगर है वो कितना यूज करना पड़ेगा, 8 यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे, तो जो कि उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल की तरफ मैं चढ़ता हूं, आपको बता दूंगा, क्योंकि ऐसे टाइप के एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में भी आपको पूछे जाएंगे, देखने मिलेंगे, और आप लोग को मजा भी आएगा करने में, क्योंकि कोई भी इसमें कुछ अलग चीज नहीं है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसको मैं रफ कर लेता हूं आप लोग के लिए, ठीक है, उसके बाद मैं आगे का एग्जांपल बहुत कराता हूं, क्योंकि आप देखते जाओ आपको अपने आप इंटरेस्ट आता रहेगा। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया फ्रेंड्स कि ये जो चैप्टर, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर,
आपके पूरे 9 की अगर बात करो, और यही चीज 10th में भी आपको है, यही चीज आप 11th 12th में जाओगे तभी भी है, इंजीनियरिंग में है, आगे जाके जॉब इंटरव्यू के लिए जो एग्जाम देना पड़ता है उसके लिए भी ये सब जो प्रपोर्शन है, बताओ अगर इतना इसका प्रपोर्शन था तो उसका कितना होगा, तो रेशियो इन प्रपोर्शन आपको कभी पीछा नहीं पड़ेगा। आपके अगर बड़े भाई बहन होंगे जो कोई ग्रेजुएशन में हो या फिर जो इंजीनियरिंग कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, तो उनको जरूर से पूछना कि रेशियो इन प्रपोर्शन क्या होता है, आपको है क्या, तो ये जरूर से बताएंगे वो लोग कि एप्टीट्यूड में ये चीज जरूर से आता है। कोई भी प्रिपरेशन वाला एग्जाम होता है, गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, उसमें भी ऐसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आपने ये चीज अभी सीख लिया ना फ्रेंड्स, तो आपको बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है, ठीक है ना। तो रेशियो प्रपोर्शन का एक और एग्जाम्पल जो कि आपका प्रॉपर एग्जाम्पल नंबर 1 है, आप देख सकते हो पेज नंबर 58 पे, आपके पास टेक्स्ट बुक जरूर से होना चाहिए फ्रेंड्स। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं क्वेश्चन नहीं लिखाता हूं, वो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो अगर मैं क्वेश्चन लिखाने जाऊंगा हाथों से मेरा टाइम उधर ही वेस्ट हो जाएगा, 10 मिनट चले जाएगा, और आपको पता है कि 10 मिनट मेरे लिए बहुत होता है, 10 मिनट में आपको मैं एक लेक्चर दे देता हूं, ठीक है ना। मैं फास्ट भी बताता हूं थोड़ा, नॉर्मली मेरा स्पीड भी वैसा ही है कि मैं बहुत फास्ट बोलता हूं, तो आपको पता है कि एक टाइम का एक कीमत होता है, तो टाइम हम वेस्ट क्यों करें, क्योंकि आपके पास टेक्स्ट बुक है, तो आप टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन जो है इजीली देख पाओगे, जो मेन मेन चीज होता है वो सब चीज मैं बताता हूं, कोई भी आपको मैं कमी छोड़ता नहीं हूं, ये चीज आपको पता होगा। तो वही चीज को ओवरकम करने के लिए आप पेज नंबर 58 ओपन कर लीजिए, उसमें आपको दिखेगा एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया है अच्छे से मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखा है एग्जाम में पूछते हुए, ठीक है ना, इसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बता दूं किस प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है द प्रोपोर्शन ऑफ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फरस एंड पोटेशियम इन ए केमिकल फर्टिलाइजर इज 18:18:10। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि कोई केमिकल फर्टिलाइजर होगा, वी नो दैट कि केमिकल फर्टिलाइजर सिर्फ एक केमिकल से नहीं बनता है, उसमें बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं। तो यहां पे जो बोला है कि केमिकल फर्टिलाइजर जो बनाया गया है उसमें 3 कंपाउंड है, एक नाइट्रोजन है, एक फॉस्फरस है, तीसरा पोटेशियम है। तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐसा लिखता हूं कि मेरा जो नाइट्रोजन है N लिखता हूं नाइट्रोजन के लिए, दूसरा मैंने क्या बोला फॉस्फरस है, ठीक है ना, फॉस्फरस के लिए पीएच लेता हूं एंड पोटेशियम के लिए पी लेता हूं, ठीक है ना। या तो हम सिंबल भी यूज कर सकते हैं, अगर आपने अगर आप 9th स्टैंडर्ड में, आपको तो पता ही होगा, मैंने आपको साइंस में पढ़ाया था कि हाउ टू यूज सिंबल, तो सिंबल क्या होता है डायरेक्टली वो यूज करते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट अच्छा जो सिंबल होता है हमारा एलिमेंट्स का सिंबल आपको पता ही होता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, को कार्बन, नाइट्रोजन, ये सभी चीज आपको मैंने बताया था अगर आपने हमारा साइंस का लेक्चर वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो। नाइट्रोजन के लिए हम लोग एन ही लिखते हैं, फिर हमारा फॉस्फरस के लिए पी लिखा जाता है, और पोटेशियम के लिए के लिखा जाता है, आपको पता ही है के फॉर पोटेशियम, ठीक है ना। 19th एलिमेंट है, नंबर है उसका, एटॉमिक नंबर है, मैं आपको बता चुका हूं ये चीज। ओके, तो इसका जो रेशियो दिया वो कितना दिया है, इज इक्वल टू 18:18:10। यानी कि 18 जो है नाइट्रोजन है, फिर से 18 पोटेशियम है, और 10 जो है वो सॉरी 18 जो है ये फॉस्फरस है एंड 10 जो है वो पोटेशियम है, ऐसा यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इज 18%, कंपाउंड ऑफ फॉस्फरस इज अगेन 18% एंड कंपाउंड ऑफ पोटेशियम इज 10%, यहां से बोल दिया है। रिमेनिंग पार्ट इज अदर सब्सटेंस, वो हम लोग को उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है निकालने के लिए, फाइंड द वेट ऑफ ईच कंपाउंड इन 20 kg ऑफ फर्टिलाइजर। मतलब हमें 20 kg फर्टिलाइजर टोटल दिया हुआ है, टोटल फर्टिलाइजर कितने हैं 20 kg फर्टिलाइजर हमारे पास है, तो ये जो 20 kg फर्टिलाइजर है और जो इसका रेशियो दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितना किसका वेट है। यानी कि अगर नाइट्रोजन यूज किया हुआ है 18% तो उसका वेट कितना है, कितना किलो यूज किया है, 20 किलो में से कितना किलो नाइट्रोजन होगा, 20 किलो में से कितना किलो फॉस्फरस होगा, और 20 किलो में से कितना किलो पोटेशियम होगा, ये हमें निकालना है। तो आप सोचोगे दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं दोस्तों, इसी के लिए तो मैं बोल रहा हूं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, आराम आराम से पढ़ेंगे, घाई नहीं हम लोग, आपको क्या चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, कंसेप्ट मैं दे रहा हूं दोस्तों, कहीं और नहीं मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ले लो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो यहां पे मैं आपको बात बता दूं, आप देखोगे कि क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि नाइट्रोजन दिया है, फास्फोरस दिया है, पोटेशियम दिया है, इसका हमें रेशियो दे दिया है 18:18:10%, ठीक है, ये दो तीन चीज हमें दे दिया है, 18:18:10 और 20 किलो फर्टिलाइजर हमें बोल के रखा है, तो 20 किलो फर्टिलाइजर यहां पे हम लोग को बोल दिया है, तो हम बात करेंगे मार्कर, हाँ तो हम बात करेंगे, तो यहां पे हम लोग को ये तीन चीज दे दी है, अब इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, क्या निकालना है हमें, तो हम मानते हैं लेट, क्या मानता हूं मैं, लेट ऐसा मानता हूं कि जो मेरा नाइट्रोजन है, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा नाइट्रोजन से, तो मैं मानता हूं कि जो नाइट्रोजन है ये 20 किलो में वो होगा x किलो, मुझे तो पता नहीं ना कितना है, तो कुछ तो मानना पड़ेगा, तो लेट x kg नाइट्रोजन, ऐसा मैं मानता हूं कि लेट x kg नाइट्रोजन विल बी इन 20 kg फर्टिलाइजर, 20 किलो के फर्टिलाइजर में समझ लो क्या होगा, 20 किलो फर्टिलाइजर में x kg नाइट्रोजन होगा, तो वो अगर मुझे निकालना है, तो सबसे पहली बात नाइट्रोजन आपको पता है कितना परसेंटेज दिया हुआ है, नाइट्रोजन कितना परसेंटेज है 18, तो परसेंटेज को हमेशा कैसे लिखते हैं, अगर 18% कोई भी चीज होता है इसका मतलब क्या होता है, वो 18/100 होता है, पता है आपको चीज, कोई भी चीज परसेंटेज में दिया होता है तो डिवाइड बाय 100 करना होता है, वी अगर 70% है तो 70/100, 80 है तो 80/100, तो यहाँ पे 18 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, तो 18/100 क्या है, नाइट्रोजन का एक प्रपोर्शन है, करेक्ट है,
ये किसके बराबर है 18% यानी कि 18 किलो किसके बराबर है, हम लोग को बोला है यहाँ पे कि कितना किलो यहाँ पे दिया हुआ है 20 किलो, मतलब मुझे पता है कि x जो है वो नाइट्रोजन का वेट है, तो x केजी नाइट्रोजन का वेट है कितने में से है 20 केजी में से, मतलब x जो है 20 किलो में से x का वजन रहेगा यानी कि नाइट्रोजन का वजन रहेगा, इसको कैलकुलेट करो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ तो 18 × 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा देता हूँ 18 × 20 = x × 100, तो क्या हो जाएगा 18 × 36 होता है 360 हो गया = 100x। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा 360/100, दैट विल बी 00 कट, तो यहाँ पे आपका x का जो वैल्यू मिल गया वो कितना मिल गया हम लोग को 3.6 kg मिल गया, करेक्ट, 36 को 10 से डिवाइड करोगे तो 3.6 kg, तो हमें एक चीज का वैल्यू मिल गया, करेक्ट दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक चीज जो है x जो है यहाँ पे मुझे मिल गया कि x का जो वैल्यू है वो 3.6 kg, मतलब 20 किलो जो फर्टिलाइजर था, 20 किलो के फर्टिलाइजर में ध्यान से सुनो, 20 किलो के फर्टिलाइजर में 3.5 किलो यानी 3.6 किलो जो है 3.6 3.5 से थोड़ा ज्यादा 3.6 किलो क्या है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन है, क्योंकि वो क्या है 18% है। अगेन यहाँ पे दूसरा चीज हमें निकालने बोला था कि नाइट्रोजन का तो हमने निकाल लिया कि कितना है यहाँ पे 3.6 kg है, तो मुझे बताओ कि जो फॉस्फरस है उसका भी तो 18% ही है ना, तो उसका भी 18% के हिसाब से अगर उसको मैं कुछ भी मान लू, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लू, तो मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर उसका भी 18% है तो वो भी कितना होगा 3.6 kg ही होगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सिंस, क्या बोल सकते हैं, सिंस यहाँ पे फास्फोरस जो है, फास्फोरस इज ऑल्सो कितना परसेंट है 18% है, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि जो वेट होगा, द वेट ऑफ, एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं यहाँ पे, द वेट ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू 3.6 kg, करेक्ट है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मुझे पता चल गया कि 18% नाइट्रोजन था, इसके लिए उसका वजन 3.6 kg आया, तो 18% तो यहाँ पे फास्फोरस भी है, तो 18% फास्फोरस भी है, इसका मतलब उसका वजन भी 20 किलो में से 3.6 kg होगा, तो टोटल 20 किलो में से x यानी कि जो नाइट्रोजन हमने माना था, नाइट्रोजन 3.6 kg है, फिर अगेन 3.6 kg फास्फोरस भी है। ठीक है, अब तीसरा जो चीज है हमें निकालना पड़ेगा, पोटेशियम के लिए निकालना पड़ेगा, तो पोटेशियम कितना किलो है, तो उसके लिए मुझे अलग से मानना पड़ेगा, लेट मैं क्या करता हूं, y इज इक्वल टू वेट ऑफ पोटेशियम, हम ऐसा मान लेते हैं कि y जो रहेगा वो रहेगा वेट ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम के लिए k यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो y वेट ऑफ पोटेशियम मान ले, सेम इसी तरह जैसे हमने यूज किया कि 18/100 किया, तो इसका कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा 10/100 विल बी इक्वल टू y अपॉन कितने में से है 20 किलो में से, करेक्ट है ना, तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, दट इज 10 × 20 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, 10 × 20 इज 200 इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 100y, तो y कितना आ जाएगा 200/100 कितना आ जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 kg, तो हम लोग का जो यहाँ पे तीसरा कंडीशन है यानी कि जो पोटेशियम हमें बोला था निकालने के लिए वो कितना किलो आ गया दोस्तों, यहाँ पे आ गया 2 किलो, इसका मतलब क्लियर हो गया ये चीज कि हमारा जो टोटल 20 किलो का फर्टिलाइजर था, जो खाद था हमारा 20 किलो का फर्टिलाइजर था, उसमें से 3.6 kg जो है वो क्या है नाइट्रोजन है, अगेन 3.6 kg जो है फॉस्फरस है, क्योंकि दोनों का जो रेशियो है 18:18 सेम है, और तीसरा जो है पोटेशियम उसका कितना है 2 किलो है, क्योंकि उसका जो आपका रेशियो है वो परसेंटेज जो है वो 18 है, क्लियर है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा, बहुत आराम से मिल गया है, थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करने की कोशिश की, जो मेरा स्पीड होता है उसमें मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की, एंड मैंने आपको आराम से इस प्रकार का एग्जांपल आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने आपको कराया है, अच्छे से आप देख सकते हो बोर्ड पे क्लियर करके रखा है मैंने, एंड यहाँ पे आपको ये चीज बहुत अच्छे से उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, एंड जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज मैं यही एग्जांपल कराने वाला था, कि इसके पहले मैंने एक एग्जांपल करा किस तरह से सॉल्व करते हैं जिसमें लड्डू का एग्जांपल बताया, ऐसे ही एक और एग्जांपल करा दिया, तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्या होता है रेशियो, क्या होता है प्रपोर्शन, किस तरह से कोई भी चीज का परसेंटेज अगर दिया होता है, रेशियो दिया होता है, उसके हिसाब से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ये चीज आपको भली बात अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं दोस्तों, जैसे मैंने बोला आज सिर्फ बेसिक लेवल पर बात करेंगे, तो कल यानी कि जो हमारा कल यानी कि जो लेक्चर 2 आएगा नेक्स्ट वीक में, आज का तो हमारा ये वीक का मैथ्स का खत्म होता है, तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा आपको पता ही है कि आपको तुरंत मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम लोग जो आपके लिए कंटिन्यूस मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और आपके लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियो बना के लेकर आते रहते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारा अगले लेक्चर का इंतजार करेंगे, जिसमें हम लोग डायरेक्ट प्रपोर्शन इन इनवर्स प्रपोर्शन जो कि इसी का रेशियो एंड प्रपोर्शन का ही टॉपिक है, बहुत ही एडवांस लेवल पे एंड बहुत ही अच्छे लेवल का टॉपिक है, जरूर से आप लोग पढ़ना दोस्तों लेक्चर में 2 का, बस थोड़े दिन के लिए इंतजार कर दो, जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आ जाएंगे, तो आज का लेक्चर बस इतना ही, ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे जो आपका कंटिन्यू करेंगे हम लोग आगे का लेक्चर, तो आपको तब तक थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, तो कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, आप लोग के लिए एक नया चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर की शुरुआत की हमने, तो दोस्तों कैसा लग रहा है आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो प्लीज अपनी राय अपने सजेशन जरूर से कमेंट कीजिएगा, अच्छा लिखते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है दोस्तों, एंड साथ ही में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, मोटिवेशन का राज यही है दोस्तों, लाइक करते जाओ वीडियो को, एंड दोस्तों
फटाफट से ये वीडियो शेयर करो। जैसे मैंने आपको बोला एक नया चैप्टर है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जितने भी स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग के है, ग्रेजुएशन के है, जॉब करने वाले स्टूडेंट है, ये सभी को काम आने वाला है रेशियो प्रोपोर्शन, क्योंकि ऐसा चीज है अगर वो गवर्नमेंट का प्रिपेरेशन भी कर रहा है ना जॉब के लिए तो वो भी ये चीज काम आने वाला है उसको। तो फटाफट से हर एक इंडिविजुअल को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर करो, उनको भी बोलो कि आगे शेयर करें, आग की तरफ फैला दो ये वीडियो को दोस्तों। मैं चाहता हूं सो दैट मैक्सिमम पीपल जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन को ले सके। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग जरूर से इस बात का ख्याल रखोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।